नैनीताल पहुंचे पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने पत्रकार वार्ता करते हुए वर्तमान विधायक उमेश शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि उमेश शर्मा द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई तथ्यों को छिपाया गया है। पूर्व विधायक ने कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि 15 मार्च को उच्च न्यायालय से एक ऐतिहासिक फैसला आएगा जिससे खानपुर की जनता को इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कहा कि वे स्वयं यूपी के कैराना, सहारनपुर या बिजनौर से भाजपा के टिकट पर सांसद का चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई हैं। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। लेकिन आज जिस मजबूरी से आए, माननीय उच्च न्यायालय में मुकदमा लगा था, ये जो बलात्कारी मुजरिम जो एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है, एक परिस्थितियों का की अवैध संतान की तरह से विधायक बन गया है उमेश, इसके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन भी डला है, इलेक्शन रिट भी डली है। इलेक्शन रिट में है, इसके खिलाफ 376 का बलात्कार का मुकदमा है और इसने जब नॉमिनेशन फॉर्म भरा उस मुकदमे का जिक्र इलेक्शन कमीशन को नहीं किया, जो एक अपराध है। इलेक्शन कमीशन इसकी विधायगी खारिज कर देगी, समाप्त कर देगी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय ने एक नज़ीर कायम कर दी कि एक साल से पहले इलेक्शन पिटीशन को फाइनल कर देंगे। 27 फरवरी से इंशाल्लाह सुनवाई है।